तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं शाम की चाय के साथ नाश्ता, जो बहुत क्रंची और हेल्दी है और बहुत इजीली बन जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम आपको दिखला रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये लिया है, ये हमने मूंगफली के दाने लिए हुए हैं, ये कटी हुई मिर्च ली है हमने, ये जो है मक्का भुट्टे के, ये देखिए ये छोटे छोटे पापड़ हैं, इनको हमको फ्राई करना है, डीप फ्राई करके हम इन्हें निकालेंगे। और उसमें हमें चाहिए नमक, हमने स्वाद अनुसार लिया हुआ है, हल्दी है, और हमें चाहिए कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी हम डालेंगे और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको हमने फ्रेश ले लिया धोकर, ये देखिए साफ़ कर लिया हमने। अब हमें चाहिए ये पोहा, ये चूड़ा है, ये मोटा वाला चूड़ा लिया है हमने, इसको भी हम फ्राई करेंगे। ये हमने लिया हुआ है जीरा, ये रोस्ट करके हमने पीस करके रख लिया है, 1.5 चम्मच ये जीरा है हमारा। और इसके बाद हमने ये लिया हुआ है चिकन मसाला, हल्का सा हम इसको डालेंगे टेस्ट आने के लिए। और यहाँ पे हमने लिया है लाई, लाई भी डालेंगे, एकदम हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। आप अपने मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं, घर में सब लोग पूरी फैमिली एक साथ बैठ के भी शेयर कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है, बहुत क्रंची रहता है और इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अब हम गैस को ऑन करेंगे, अब रखेंगे इस पर कढ़ाई, अब कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम ये फ्राई करने वाली सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। ये हमारी हीट हो गई है, हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल हमने यूज़ किया है, आप जो तेल चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वैसे रिफाइंड ऑयल सक्सेस हो गया। अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे करी लीव जो हमने रखी थी, ये करी लीव है, ये देखिए करी पत्ता हमने डाल दिया। अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे चलाएँगे, अब इसमें हम ये नमक और हल्दी पाउडर जो रखा हुआ था इसको ऐड करेंगे ऐसे। हाँ, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें मूंगफली रोस्ट करेंगे, ये फ्राई कर रहे हैं मूंगफली, ये फ्राई हो रही है, देखिए। तो ये हमारी जो है मूंगफली रोस्ट हो गई, ये फ्राई हो गई, अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम हम हल्की कम कर दिए फ्लेम को, ये देखिए अब हम इसको सारी निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे ये जो हमने पापड़ रखे थे, इसके लिए हमको तेल जो है ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, देखिए तेल ज़्यादा अच्छा से हीट नहीं है, तो थोड़ा सा हम 2 मिनट रुक जाते हैं, तेल अच्छे से हीट हो जाएगा तभी अच्छे से। ये तेल हमारा अच्छे से हीट हो गया, हम इसको फ्राई कर लेंगे, ये देखिए देखिए कितनी जल्दी फूल गई है। ये हमें ऐसे इसी तरीके से सब फ्राई करके निकाल लेना है फटाफट। हमने मक्का पापड़ फ्राई कर लिए हैं, अब हम ये डालेंगे पोहा चूड़ा, तो इसके लिए हमें तेल कम चाहिए, तो हमने तेल इसमें से आधा निकाल लिया हुआ है। अब हम इसको धीरे धीरे ऐड करेंगे, हमें लो फ्लेम नहीं रखना है, हमें फुल फ्लेम पे करना है, फिर लास्ट में हम लो फ्लेम करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमको बराबर चलाते रहना है, हाथ नहीं बंद करना है। इसी तरीके से लगभग ये फूल चुकी है, अभी थोड़ा सा हम इसको और रोस्ट करके भूनेंगे। ये देखिए ये पूरी तरीके से फूल गए हैं इसके पूरे एक एक दाने। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे लाई, क्योंकि लाई जो है हमने ऐड किया है, तो जितना इसमें होगा तेल था तो लाई पूरा अंदर खींच लेगी, पूरा इसको खुश्क कर देगी। थोड़ा सा हम लाई भूनेंगे 2 से 3 मिनट, फिर उसके बाद फ्राई किया हुआ हमने वो रखा था, मक्का के पापड़ रखे हुए थे और जो मूंगफली की बूंदी रखी हुई थी उसको भी ऐड करेंगे, इसमें मिला देंगे अच्छे से। अभी हमें इसे अच्छे से भून लेना है ताकि ये हमारी लाई जो है अच्छे से खूब क्रंची हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। ये जो है ये हो गया है, देखिए अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे ऐड करेंगे ये जो हमने फ्राई करके रखा था, देखिए इसमें हल्का तेल दिख रहा है, चमक रहा है, ये जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका पूरा तेल वो लाई खींच लेगी। वैसे भी इसमें जो तेल था पूरा हमने छन्नी में रखा है तो पूरा छन गया है। अब हम इसको ऐसे ऐड करेंगे धीरे 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 ऐड करेंगे, ये इतना टेस्टी बनता है, बनकर रेडी होता है ये, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, एकदम क्रंची क्रंची। हम इसको ऐसे इस तरीके से मिला लेंगे इसे, आप इसको इजीली बना सकते हैं घर पे, एकदम ज़बरदस्त नमकीन है तैयार। और इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है, तेल हमने बहुत बहुत कम डाला था, मुश्किल से हमने 100 ग्राम तेल ऐड किया था, उसमें हमने सारी चीज़ें फ्राई की है, फिर उसके बाद हमने उसमें से आधा तेल हमने ये निकाल लिया था, आप देख सकते हैं इसमें मुश्किल से इसमें 50 ग्राम तेल लगा हुआ है। तो ये हेल्दी नाश्ता हमारा शाम की चाय के साथ रेडी हो गया है लगभग। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे,
फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले। बनकर रेडी हो गया है ये, ये देखिए एक नंबर का तैयार हुआ है। इसका तेल पूरा एकदम ख़त्म हो गया है, ये लाई के साथ अंदर मिक्स हो गया है तेल। अब हम इसमें जो हमने भुना हुआ रोस्ट हुआ पिसा जीरा रखा था इसको हम डालेंगे। आप चाहें तो गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए। और हमने हल्दी के साथ नमक तो डाल ही दिया था, और मिर्ची अगर आपको कम लग रही है क्योंकि हमने हरी मिर्ची इससे पहले जो फ्राई किया था हरी मिर्ची हमने डाली थी इसमें, आप देख सकते हैं इसको निकाल भी सकते हैं ये देखिए। और अगर आपको मिर्च कम लग रही है तो आप पीसी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ये बस पसंद आया तो आप भी इसको प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, और बना के हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसे लगा आपको ये लिया हुआ था। थोड़ा सा हम इसको भी ऐड करेंगे ऐसे, इसमें मिर्च रहती है, मिर्च डालने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिला देंगे, ये देखिए इसका एक नंबर का टेस्ट आया होगा, अभी तो हमने टेस्ट भी नहीं किया है इसको। हमने निकाल दिया प्लेट में, ये नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में एकदम क्रंची है, ये देखिए खर खर की आवाज़ आ रही है एकदम, और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये नाश्ता आप ज़रूर बनाइएगा, हेल्दी भी है, टेस्टी एंड क्रंची भी है। तो प्लीज़ इसको बनाइएगा और बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।